अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ सेम। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन डिटेल, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Dear students, in present perfect tense में जो उर्दू फिकरात होते हैं या उर्दू के sentences होते हैं, उनके आखिर में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आता है। सो इसके अलावा जो एक और बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो हम helping verb यूज़ करते हैं present perfect tense में, वो है has और have। अब देखिए, has किसके साथ लगाते हैं हम लोग और have किसके साथ लगाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो काम करने वाला ही, शी, इट या वाइड नाउन होगा, सिंगल नाउन होगा, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, has लगाना है। और अगर काम करने वाला या वाले आई, यू, दे होंगे तो उनके सबके साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल, और सिंपल का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। चलो करते हैं हम डिस्कस स्ट्रक्चर इसका। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है काम करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक सेंटेंस बनता है उसमें तीन चीजें लाजमी होती हैं। एक तो ये है कि सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद है वर्ब जो काम होता है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जाए। मिसाल के तौर पे एक फिगरा है, अली एक खत लिख चुका है, अली एक खत लिख चुका है। इसमें अली जो है सब्जेक्ट है, लिखना या लिख चुका है ये है वर्ब। उसने क्या लिखा है, खत लिखा है, ये है ऑब्जेक्ट। देखिए, सिंपल जो सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद थर्ड वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब, थर्ड वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सो चलते हैं, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हैं, सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है, अली एक खत लिख चुका है, अली हैज रिटन अ लेटर, अली एक खत लिख चुका है। दूसरा ये है कि हम हाथ धो चुके हैं, हम हाथ धो चुके हैं, वी हैव वॉश्ड हैंड्स, हम हाथ धो चुके हैं। तीसरा ये है कि वो हॉकी खेल चुके हैं, वो हॉकी खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, मनफी फिकरा, मनफी सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे या फिर सिंगल नाउन, उसके बाद है हैज या फिर हैव नॉट, हैज नॉट, उसके बाद है थर्ड वर्ड, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अली ये खत नहीं लिख चुका है, या फिर अली ने एक खत नहीं लिख लिया है, अली हैज नॉट रिटन अ लेटर, अली ने एक खत नहीं लिख लिया है, या अली एक खत नहीं लिख चुका है, अली हैज नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद है जो दूसरा फिकरा है, दूसरा सेंटेंस है, हम हाथ नहीं धो चुके हैं, वी हैव नॉट वॉश्ड हैंड्स, हम हाथ नहीं धो चुके हैं, वी हैव नॉट वॉश्ड हैंड्स। तीसरा जो इसका सेंटेंस है, थर्ड,
वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं। दे हैव नॉट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, सवालिया की तरफ। क्या अली एक खत लिख चुका है? Has Ali written a letter? सॉरी, मैंने आपके साथ जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो शेयर नहीं किया। चले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले सबसे पहले देखें, हम जब भी कोई सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सबसे पहले लगाते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो है हैज या फिर है। अब देखिए, जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हैज या फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। अब देखिए, एक सेंटेंस है, क्या अली एक खत लिख चुका है? हैज अली रिटन अ लेटर, क्या अली एक खत लिख चुका है? उसके बाद दूसरा है, क्या हम हाथ धो चुके हैं? Have we washed hands, क्या हम हाथ धो चुके हैं? तीसरा है, क्या वो हॉकी खेल चुके हैं? Have they played hockey, क्या वो हॉकी खेल चुके हैं? सो चलते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया और मनफी। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैज या फिर हैव सेंटेंसेस के शुरू में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद थर्ड वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। सो चलते हैं, क्या अली एक खत नहीं लिख चुका है? हैज अली नॉट रिटन अ लेटर, क्या अली एक खत नहीं लिख चुका है? दूसरा है, क्या हम हाथ नहीं धो चुके हैं? Have we not washed hands, क्या हम हाथ नहीं धो चुके हैं? क्या वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं? Have they not played hockey, क्या वो हॉकी नहीं खेल चुके हैं? सो चलते हैं रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले सिंपल है, सिंपल का एक सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या अली एक खत लिख चुका है? अली हैज रिटन अ लेटर, अली एक खत लिख चुका है। दूसरा है नेगेटिव, हम हाथ नहीं धो चुके हैं। वी हैव नॉट वॉश्ड हैंड्स, हम हाथ नहीं धो चुके हैं। अब चलते हैं सवालिया की तरफ, क्या अली एक खत लिख चुका है? Has Ali written a letter, क्या अली एक खत लिख चुका है? अब देखते हैं सवालिया और मनफी, क्या अली ने एक खत नहीं लिख लिया है या क्या अली एक खत नहीं लिख चुका है? Has Ali not written a letter, Has Ali not written a letter, क्या अली एक खत नहीं लिख चुका है? डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।